नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, यानी कि 25 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय यानी कि बाल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है ग्रेटा थनबर्ग। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 2003 को। स्वीडिश की रहने वाली है ये, और इन्होंने स्कूल स्ट्राइक नामक ग्लोबल अभियान चलाया था, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनके अलावा कैमरून की डिवाना मेलोम को जिहादी समूह है बोको हरम के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए भी उन्हें इस अवार्ड के लिए जो है वो सम्मानित किया गया था। इतनी बात जो है हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कि निम्नलिखित में से किसे स्कॉटिश ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीता है लक्ष्य सेन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है लक्ष्य सेन। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये लक्ष्य सेन। इन्होंने स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में उस एकल प्रतिस्पर्धा में खिताब जीता है। और लक्ष्य सेन जो केवल 18 साल की ही हैं ये, इन्होंने 2017 में जूनियर रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल किया था। और दुनिया की सबसे पुरानी और बैडमिंटन प्रतियोगिता में से एक है ये स्कॉटिश। इसकी शुरुआत की गई थी 1907 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कि भारत में किस राज्य ने हाल ही में फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए 3 सप्ताह का एक विशेष अभियान आरंभ किया है? फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए हाल ही में जो अभियान शुरू किया है वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुरुआत किया है, और इसके तहत जो है वो लगभग 40 लाख लोगों को दवा दी जाएगी। WHO के अनुसार लगभग 65 मिलियन लोग फाइलेरिया से पीड़ित हैं, और WHO के अनुसार पोलियो के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा रोग है जो कि बड़े स्तर पर जो है वो फैला हुआ है। फाइलेरिया बेसिकली जैसे पोलियो होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे पोलियो में विकलांग तो जन्म से भी होते हैं, लेकिन जो आपका फाइलेरिया है वो अक्सर आपका एक एज के बाद में लोगों को विकलांग करता है। अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे है? वो है गोमती नदी के किनारे। जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसका कोई भी फैक्ट हो, वो चीज आप रिपीट कीजिएगा, और जब तक रिपीट करते रहिएगा जब तक आपका कोई पेपर पास ना हो जाए। ये एक अच्छी हैबिट है, और इस हैबिट को अपनी जिंदगी में आप हमेशा बनाए रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जिक्र करूं तो 20.42 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश का जो लैंड एरिया है वो है 243,286 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्पों के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि अपना जो इंडिया का हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो लोगों को अच्छा खाने खाने के लिए और उनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट जो है वो बताने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम है ईट राइट अभियान। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ईट राइट अभियान। ये किसने किया है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्ष 2022 तक भारत के लोगों के लिए सवा सवयक सामाजिक सुरक्षा और पोषण युक्त आहार ये जो है लाने के लिए एक घोषणा की है। और अगर बात की जाए हमारे ईट राइट इंडिया अभियान है, इसके तहत सरकार द्वारा पोषक और स्वस्थ खाने के लिए प्राथमिकता भी दी जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। तो खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण अब देगा मध्य प्रदेश सरकार, यानी कि क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही रहेगा। मध्य प्रदेश ने हाल ही में ये कहा है कि उनके राज्य के जो भी खिलाड़ी है उनको 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, और इससे क्या होगा, इससे विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, मतलब सरकार क्या करती है, हर साल विक्रम पुरस्कार विजेताओं को सरकारी नौकरी देती है, और जो ये विक्रम पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जितने भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है उनका प्रशिक्षण को थोड़ा सुधार करना, क्योंकि अगर ऐसा है तो सभी सोचेंगे अगर हम खेल में जाएंगे तो 5% हमें अलग से आरक्षण भी मिलेगा इससे। तो इतना हमें जो है वो याद रखना है इस क्वेश्चन से। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपको मैप में मध्य प्रदेश तो दिख ही रहा होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है कमलनाथ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में एक शहर ये इंदौर चमक रहा है, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये याद रखिएगा आप लोग। और एक बार नहीं, लगातार 2 से 3 बार ये भारत में सबसे साफ शहर जो है वो काउंट हुआ है आपका। तो इतना हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है, सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है आपका। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के अलावा भारत में सबसे ज्यादा ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई उत्सव मनाया जाता है। संगाई उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का आपका। संगाई उत्सव मणिपुर का एक सांस्कृतिक उत्सव है और ये हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में मणिपुर को विकसित करना। और इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आपके पारंपरिक जो भी खेल होते हैं वहाँ के, लोक नृत्य होते हैं, शास्त्रीय संगीत होते हैं। और जो ये है संगाई उत्सव, ये 30 नवंबर तक चलने वाला है। बात मणिपुर की हो रही है तो मैप में देख लीजिएगा, ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर की जनसंख्या की बात की जाए तो है 27.2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब मिला है दलीला मोहम्मद को। ये ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का, दलीला मोहम्मद। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है दलीला मोहम्मद। अमेरिका की दलीला मोहम्मद ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 का खिताब जीता। और केन्या के एथलीट अली उद किपचो ने जो है पुरुष श्रेणी में ये खिताब जीता है। दलीला मोहम्मद एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है और 2016 में रियो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भी जीता था। इसके अलावा 2019 में दोहा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा वर्ष 2020 से सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने की घोषणा की गई है। एक बहुत ही उम्दा काम कर रहा है ये पेरिस कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है रहेगा। पेरिस ने ऐसा कहा है कि 2020 से लागू होने वाले जितने भी आपके सर्कस में जंगली जानवर है उसमें एक भी जंगली जानवर को जो है वो हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। जिनके पास में परमिट है उनके परमिट भी रद्द कर दिए जाएंगे, और ऐसा आदेश जो है पेरिस ने किया है, जबकि फ्रांस सरकार द्वारा ऐसा राष्ट्रव्यापी आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। तो मैं ये कहूंगा पेरिस सरकार, कहने का मेरा उद्देश्य ये है, मतलब ये है कि पेरिस के कंप्लीट पेरिस को जो गवर्न कर रहा है पेरिस, पेरिस के क्षेत्र के अंदर। अब पूरी बात करता हूं मैं पेरिस फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ की जो आपके राष्ट्रपति है उनका नाम है इमिनुअल मैक्रोन, दुनिया में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ का अगर मैं डायलिंग कोड बात करता हूँ तो वो है +33, इतना आप याद रखिएगा। करेंसी जो है फ्रांस की वो है यूरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न किस स्थान पर पाए जाने वाले दो सींग वाले अंतिम गैंडे की हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो दो सींग वाले अंतिम गैंडे की जो हाल ही में मृत्यु हुई है वो है सुमात्रा के।
बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ठीक है, ये है वो सुमात्रा का दो सिंग वाला गैंडा, इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है। सुमात्रा जो है आपका एक द्वीप है, लार्ज इंडोनेशियाई द्वीप है, सबसे बड़ा एक सुमात्रा द्वीप है। इसका एरिया है 473 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 5.04 करोड़ है, ठीक है। और ये भी बात आपको याद रखनी है, और मलेशिया के प्रायद्वीप में सुमात्रा में इमान नामक मादा गैंडे की मृत्यु के साथ ही, ईमान नाम था उस गैंडे की, मादा मृत्यु के साथ ही इस प्रजाति से मलेशिया से विलुप्त घोषित कर दिया है। ये अब मलेशिया में प्रजाति बची ही नहीं है आपकी, ठीक है। उसके बाद शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि अब प्रजाति के लगभग 80 गैंडे ही दुनिया में बचे हैं। विश्व में गैंडा की 5 प्रजाति हैं, जिसमें से एक सुमात्रा गैंडा भी है। गैंडे की 5 प्रजातियों में 2 अफ्रीका और 3 एशिया में है जो पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका सुमात्रा द्वीप है जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हमारे ये प्यारे से भारत के भी पास ही है, और यहाँ पे मलेशिया भी बिल्कुल ही पास में ही है आपके, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ये जो आपको चमक रही है, ठीक है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस क्रिकेट अंपायर द्वारा लिखित पुस्तक फाइंडिंग द गैप्स का हाल ही में विमोचन किया गया है। फाइंडिंग द गैप्स जो है वो हाल ही में साइमन टाफेल ने जो जो है वो लॉन्च की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है साइमन टाफेल। इन्होंने फाइंडिंग द गैप्स जो है किताब लिखी है, इसका विमोचन किया है हाल ही में। और इस किताब में जो है वो क्रिकेट जीवन से जुड़े कई पहलुओं का जो है वो जिक्र किया गया है। मार्च 2009 में लाहौर में हुए उस आतंकी हमले के बारे में भी जिक्र किया है। और श्रीलंकाई टीम के जो एक व्यक्ति है, कुमार संगकारा, अजंता मेंडिस, तिलन समरवीरा, थरंगा परनवीताना, सुरंगा लकमल और तिलंगा तुषारा, ये घायल हो गए थे उस दौरान, उनके बारे में भी जिक्र हुआ है। टाफेल ने इस मैच में स्टीव डेविस के साथ मैदानी एम्पायर की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं अभी के लिए। चलिए इतने ही थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूले। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच।